हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल पर न्यू वीडियो। माय नेम इज़ आमिर फ्रॉम A1 कोचिंग। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कॉल्स इन अरियर एंड कॉल्स इन एडवांस की बेसिक देख लिया था, तो उम्मीद करता हूँ वहाँ तक आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। आज हम लोग सीखेंगे कि शेयर फॉर फीचर क्या होता है। क्या सीखेंगे बेटा? शेयर फॉर फीचर क्या होता है, यानी कि या फिर शेयर फॉर फीट क्या होता है। ठीक है, तो शेयर फॉर फीचर की एंट्री आज हम लोग सीखने वाले हैं। और एक चीज़ मैं बता दूं, बहुत से बच्चे बोले सर क्या पेपर इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो बहुत इजी है। तो बेटा अभी हम लोग कर रहे हैं कॉन्सेप्ट, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगे तो डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट पेपर में कोई भी क्वेश्चन आएगा आप बना लोगे, इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बाकी जो पेपर जिस तरह क्वेश्चन आते हैं, 3-4 क्वेश्चन मैं आपके बोर्ड में आए हुए करवा भी दूंगा, इसके लिए टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। इतने ईजी क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, ये तो कन्फर्म है, लेकिन आपको पहले कॉन्सेप्ट तो पता हो, पता तो हो कि एंट्री क्या होती है। ठीक है, तो फिर आपको क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए अपना बेसिक एकदम स्ट्रॉन्ग कर लो। ठीक है, तो आज हम लोग जो सीखेंगे वो फॉर फीचर है, तो चलो जल्दी से देखते हैं और कंप्लीट करते हैं। अब शेयर फॉरफिट का मतलब क्या होता है पहले समझो। शेयर फॉरफिट का मतलब होता है कि मान लो अगर किसी ने पैसा नहीं दिया तो उसके पैसे को जब्त कर लेना, क्या होता है शेयर फॉरफिट। मतलब मान लो एक कंपनी है ABC कंपनी, क्या है ABC कंपनी है, जिसने 1000 शेयर इशू करे, कितने शेयर इशू करे 1000 शेयर्स इशूड करे, और एक शेयर है पर शेयर है 10 रुपये का, पर शेयर 10 रुपीज़। कंपनी कॉल्ड अप, कंपनी पैसा मांगती है, तो किस तरह मांगती भाई? कंपनी मांगती है एप्लीकेशन पे 5 रुपये, ठीक है, अलॉटमेंट में मांगती है कंपनी 3 रुपये, और लास्ट में मांगती है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, यानी सेकेंड कॉल का नहीं मांगती, तीन ही बार में पूरा पैसा मांग लिया। कितना रुपये मांगा? 2 रुपये। ठीक है, तो उसमें एक पर्सन है जिसका नाम है राहुल, एक लड़का है जिसका नाम है राहुल, और उसके 200 शेयर्स है। एक पर्सन है राहुल जिसके 200 शेयर्स है, उसने हु डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी, जिसने उस अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी का पैसा नहीं दिया। समझ रहे हो क्या बोल रहा है? कि जितने शेयर है, 1000 शेयर है, मान लो फुली सब्सक्राइब, कितने फुली, सब के सब बिक गए, 1000 शेयर बिक गए, तो एप्लीकेशन में कंपनी ने 5 रुपये मांगा, अलॉटमेंट में 3 मांगा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर कितना मांगा बेटा? 2 रुपये मांगा। फ्रेम में पूरा आ रहा है कि नहीं बताओ पहले? हाँ, तो फाइनल कॉल पर कितना मांगा? 2 रुपये मांगा। ठीक है, तो 1000 शेयर टोटल थे, तो 1000 में 200 शेयर राहुल के थे, भाई 100 किसी और के होंगे, 50 किसी और के होंगे, उसी तरह राहुल के 1000 में 200 शेयर थे। ठीक है, तो राहुल ने क्या किया, राहुल ने एप्लीकेशन का पैसा दिया, जब कंपनी ने पैसा मांगा तो उसने एप्लीकेशन का पैसा तो दिया था, लेकिन फिर उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा भी नहीं दिया। मतलब एप्लीकेशन का नहीं दिया, फिर कंपनी ने अलॉटमेंट का मांगा तो उसने देने से मना कर दिया, या कोई रीज़न था नहीं दिया, कंपनी ने कहा कोई बात नहीं फर्स्ट कॉल का पैसा दे दो, उसने फर्स्ट कॉल में पैसा नहीं दिया। तो जब उसने पैसा नहीं दिया तो कंपनी ने उसके शेयर को कर दिया कैंसिल, क्या कर दिया शेयर को कर दिया कैंसिल, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं शेयर फॉरफिट कर देना। समझ में आ रही? शेयर को कर दिया कैंसिल और उसके पैसे को कर लिया जब, क्या कर लिया भाई, उसके शेयर को कैंसिल कर दिया। जब उसके 200 शेयर को कैंसिल कर दिया तो राहुल ने बोला ठीक है मेरे शेयर आप तो कैंसिल कर दिए, ये वाला पैसा तो वापस कर दो एप्लीकेशन का। तो कंपनी ने बोला नहीं भाई साहब, वो पैसा वापस अब नहीं होगा। समझ में आ रही बात? तो कंपनी पैसे भी वापस नहीं करती है, शेयर को कैंसिल कर देती है, जो पैसे को जब्त कर लेती है, अपने पास रख लेती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं शेयर फॉरफिटेड। समझ में आई बात? क्या बोलते हैं शेयर फॉरफिटेड। तो ये इसकी एंट्री हमें सीखनी है कि शेयर फॉरफिचर होता है क्या। नॉर्मल समझ में आया शेयर फॉरफिचर क्या होता है? नॉर्मल अगर मैं एंट्री की बात करूँ शेयर फॉरफिचर की, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, पहले एंट्री लिख लो, बाकी मैं क्वेश्चन करके भी आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो देखो अगर फॉरफिट की एंट्री खाली करनी होगी तो एंट्री होगी शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट। ठीक है, अरे सॉरी, यहाँ पर होगी पहली एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, कौन कौन सा पैसा नहीं मिला, जब पैसा नहीं मिलता उसको हम लोग क्या बोलते हैं कॉल्स इन अरियर, तो क्या लिखोगे टू कॉल्स इन अरियर। ठीक है भाई, पैसा मिलता था तो शेयर कैपिटल कहाँ लिखते थे, क्रेडिट में लिखते थे ना, बैंक शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, लेकिन पैसा अब
कैंसिल कर रहे हो, तो फॉरफिट की एंट्री में शेयर कैपिटल कहाँ लिखोगे? डेबिट में। टू कॉल्स इन एरियर उल्टा हो जाएगा, कॉल्स इन डेबिट में, तो यहाँ क्या होगा? क्रेडिट में। और टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट क्या होगा बेटा? अगर मान लो फॉरफिट की आपने एंट्री, तो फॉरफिट की एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल सीनरियर टू शेयर फॉर फ्यूचर। कॉल सीनरियर का मतलब जो जो पैसा नहीं मिला, जो जो नहीं मिला उसको लिख दोगे, ठीक है, समझ में आई बात। फॉरफिट का मतलब जो पैसा मिल गया उसको यहाँ लिख दोगे। और शेयर कैपिटल में क्या लिखेंगे सर? शेयर कैपिटल में बेटा लिखा जाता है फॉरफिटेड शेयर, फॉरफिटेड शेयर मल्टीप्लाई बाय कॉल्ड अप मनी, मल्टीप्लाई बाय कॉल्ड अप मनी। किससे होगा? फॉरफिटेड शेयर का मल्टीप्लाई होगा कॉल्ड अप मनी से। जितने शेयर फॉरफिट हुए, कितने शेयर फॉरफिट हुए? 200 शेयर्स, उसका मल्टीप्लाई किससे होगा? कॉल्ड अप, पूरे से नहीं, कहाँ तक पैसा मांगा कंपनी ने, अप्लीकेशन का भी मांगा, अलॉटमेंट भी मांगा, फर्स्ट कॉल का भी मांगा, मांगा पूरा नया तक, तो मल्टीप्लाई किससे होगा? 10 से। अगर कंपनी अप्लीकेशन का मांगी, अलॉटमेंट का मांगी, पैसा नहीं दिया उसने, कंपनी ने फॉरफिट कर दिया, फर्स्ट कॉल का मांगा ही नहीं, मल्टीप्लाई किससे होगा? 5, 3, 8 से होगा। अगर ये लिखा हो क्वेश्चन में कभी कि अलॉटमेंट का मांगा, फर्स्ट कॉल का मांगा ही नहीं, कंपनी को गुस्सा आ गया इसी टाइम और कंपनी ने शेयर कैंसिल कर दिए, तो आप 5, 3, 8 ही से मल्टीप्लाई करो। कॉल्ड अप का मतलब समझे, जहां तक पैसा मांगा है वहां तक, यहां तो पूरा मांगा है, तो इसलिए हमने क्या लिखा? 10। तो फॉरफिटेड शेयर कितने थे? 200 मल्टीप्लाई 10 से, इस तरह से करना है, ठीक है। कॉल सीनेरियर में जैसे मान लो 210 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा यहाँ पर? 2000। कॉल सीनेरियर का मतलब होता है कितने शेयर थे बेटा? 200। कितने का पैसा मिला नहीं, अलॉटमेंट में 3 रुपये नहीं मिला, फर्स्ट कॉल में 2 रुपये नहीं मिला, तो कॉल सीनेरियर में फॉरफिटेड शेयर मल्टीप्लाई बाय जो पैसा मिला नहीं, कौन सा नहीं मिला? 5 रुपये। 200 को 5 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 1000। और मिला कितना? तो 200 फॉरफिटेड शेयर मल्टीप्लाई बाय कौन सा मिला था? एप्लीकेशन का। 200 का 5 से मल्टीप्लाई 1000। इस तरह से आपको करना है, समझ में आई बात। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल सीनियर टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, ये नॉर्मल आपकी एंट्री होती है। अच्छा, एक केस और होता है, मान लो कभी कोई क्वेश्चन प्रीमियम का हो। किसका हो बेटा? प्रीमियम का हो, तो कैसे एंट्री होगी सर? तो देखो, प्रीमियम में बेटा क्या होगा, अगर मान लो प्रीमियम की एंट्री, किसकी? प्रीमियम की, तो मान लो उसमें लिखा रहेगा कि अलॉटमेंट पे 2 रुपये प्रीमियम का भी था, प्रीमियम का भी था। तो अब दो कंडीशन है, अगर मान लो प्रीमियम पे शेयर इशू हुआ, शेयर प्रीमियम पे इशू हुआ, क्वेश्चन भी मैं करा दूंगा, तो टेंशन मत लो, अभी समझ लो इतना। अगर शेयर प्रीमियम पे इशू हुआ और प्रीमियम का पैसा मिल गया, जिसने पैसा नहीं दिया उसने प्रीमियम का पैसा दिया है, तो यही सेम एंट्री होगी। क्या होगी? यही सेम एंट्री होगी, कोई चेंज नहीं करना है। लेकिन अगर प्रीमियम का पैसा नहीं मिला, अगर प्रीमियम का पैसा नहीं मिला, तो इसमें एक चेंज आ जाएगा, एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, लिखा था ना, टू कॉल्स इन एरियर और टू शेयर फॉर फ्यूचर, ठीक है। डेबिट में क्या आएगा? एक चीज और आ जाएगी, उसको हम लोग बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, ये भी होगा डेबिट। फॉरफिट की एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को भी डेबिट करो, कब? जब प्रीमियम का पैसा नहीं मिला होगा। अगर प्रीमियम का पैसा मिल गया होगा तो कुछ दिमाग नहीं लगाना, यही पहले वाली एंट्री लिख देनी है जो कि ये वाली थी। नहीं मिलता है तब कंपनी परेशान होती है, कंपनी के लिए लॉस होता है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट दिखाना पड़ता है। लेकिन अगर मिल गया है तो आपको कुछ नहीं करना है, वही नॉर्मल एंट्री करनी है, समझ में। अब देखो, ये लास्ट की एंट्री थी, ये मैंने आपको पहले ही कर दी, ये वाली जो ये किया है मैंने, ठीक है। ये आपकी फॉरफिट की एंट्री है। नॉर्मल क्वेश्चन करोगे तो कैसे करोगे? जैसे करते थे, पहली एंट्री होगी, अगर मैं बात करूं सबसे पहले एप्लीकेशन की, तो क्या लिखोगे? बैंक ऑन डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो आप क्या करोगे? 1000 का 5 से मल्टीप्लाई करोगे। चलो अच्छा कर देता हूं यार मैं जल्दी से, बैंक अकाउंट डेबिट शॉर्ट में लिख रहा हूं टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने टोटल शेयर थे बेटा? 1000। 1000 का 5 से मल्टीप्लाई कितना होगा? 5000, ठीक है, कोई बात नहीं। अब अलॉटमेंट का पैसा मांगेगी कंपनी, क्या होगी एंट्री? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब कितना मांगोगे भाई? 1000 का 3 से मल्टीप्लाई,
3,000, ये तो प्रीमियम को मैंने समझाने के लिए लिखा था ना, 3,000 मांग लिया, मिलेगा तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट। और इसमें एक आदमी ना पैसा नहीं दे रहा, तो उसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग, कॉल्स इन एरियर अकाउंट, अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना आना था पैसा बेटा, 3,000, जितना आना था वो यहाँ लिखोगे, जितना आना था यहाँ लिखोगे, कितना नहीं आया, 200 के हिसाब से, 3 रुपये के हिसाब से नहीं आया, यानी कि 600 रुपये नहीं आए, तो आए कितना, 2,400, यानी कि 200 शेयर फॉरफिट हुए, और अलॉटमेंट में 3 रुपये लेना था, 3 से मल्टीप्लाई यानी 600, तो 3,000 आने थे, 600 नहीं आए, तो कितने आए, 2,400। ठीक है, फर्स्ट कॉल की एंट्री करो, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जी सर ठीक है, तो अब मांगो पैसा, 1,000 का 2 के हिसाब से मल्टीप्लाई, 2,000 2,000, ठीक है ये मांगा, अब मिलेगा तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अब ये बताओ, मांगा तो था, लेकिन एक आदमी है जिसने 200 शेयर थे, उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, तो मिलना कितना था बेटा, 2,000 रुपये। यहाँ पे एक चीज़ और आ जाएगा, जब पैसा नहीं मिलता तो हम लोग क्या लिखते हैं, कॉल्स इन एरियर, जैसे अभी ये वाली एंट्री में लिखा था, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। तो अब कितने शेयर थे बेटा, 200 शेयर, 200 का 200 मल्टीप्लाई 400 नहीं मिला, मिलना था 2,000, 400 नहीं मिला, कितना मिला, 1600, 1600, 1600, समझ में आई बात, क्लियर हुआ। अब इतना करने के बाद अब आपको ये वाली एंट्री करनी जो मैंने पहले ही कर दी थी। अब क्या हुआ भाई, कंपनी ने बोला शेयर फॉरफिट कर दिया, लिखा रहेगा शेयर फॉरफिटेड, ठीक है, पास जनरल एंट्री। अब फॉरफिट किया है एंट्री को, तो फॉरफिट की एंट्री क्या होगी, ये लिखोगे शेयर कैपिटल अकाउंट टू कॉल से नहीं टू शेयर फॉरफिटर अकाउंट, ये लिखोगे। अब लिखने के बाद जितने शेयर फॉरफिट हुए, कितने शेयर फॉरफिट हुए, 200 कॉल्ड अप का मल्टीप्लाई पूरे से, यानी कि 200 का 10 से मल्टीप्लाई 2,000, जो फॉरफिट हुए शेयर उनसे कितना पैसा आना था, 2,000, उनसे आया कितना नहीं, 1,000, यानी कि 3,2,5, ये पैसा नहीं मिला, 200 का 5 से मल्टीप्लाई 1,000। आप यहाँ से भी देख सकते हो, कॉल सीनरी कितना है 600, यहाँ कॉल सीनरी कितना है 400, 600 और 400 मिला कितना हुआ, 1,000 हो गया, समझ में आई बात। और लास्ट में क्या लिखोगे, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, कितना मिल गया, 5 रुपये मिल गया, 200 का 5 से मल्टीप्लाई 1,000। ये सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम होगा तो यहाँ पर एक चीज़ और ऐड कर देना, इसके क्वेश्चन मैं कराऊंगा, टेंशन मत लेना। और एक दो दिन वीडियो नहीं आ पाई उसके लिए मैं एक दिन में 2-3 वीडियो डाल दे रहा हूँ, कल तक में आपको मिल जाएगी, बस अच्छे से पढ़ो और चैप्टर में आपका ये 24 अक्टूबर तक कंप्लीट करा दूंगा, बस आप अच्छे से डिटेल में पढ़ते रहो, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।